गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं? आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और इस समय बज रहे हैं सुबह के 9:10 हो चुके हैं। आज हम लोग उठ गए थे 4 बजे ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था बनारस, तो वो उठ गए थे सुबह। कुछ काम करना था उनको, इन्वर्टर और लाइट का कुछ सिस्टम ठीक नहीं चल रहा था, पता नहीं कैसे वो चल नहीं पा रहा था। तो अभी वो काम किए हैं, वो सुबह उठ के 4 ही बजे। और मैं उस समय उठी थी, बच्ची को दूध पिला रही थी, लेकिन फिर उसके बाद से वो जग रहे थे, खटपट हो रहा था, तो मैं भी उठ गई। उसके बाद से मैं नहीं सोई हूँ। और शिवार 6 बजे उठा है, वो भी अभी देखिए सो रहा होगा, ये रहा सो रहा भी। तो उठा है, उसकी मालिश हो गई है एक बार, और फिर वो सो रहा है। और अभी रमास उठे हैं और देख रहे हैं, हंस रहे हैं। ये देखिए लल्ला, चेहरा चेहरा तो दिखा दे शनि। तो और वो साइड वाले कमरे को मैंने थोड़ा सा सेट किया है, उसमें उसकी अलमारी, बेसिकली मैंने वो जो थी अलमारी, आप देख रहे थे मेरे यहाँ जो थी लोहे वाली, वही अलमारी को मैंने आज सेट कर दिया। तो कुछ सामान थोड़ा सा कम बाहर दिख रहा है, और झाड़ू लग चुका है घर में। बर्तन रात के नहीं धुले थे, क्योंकि हम लोग सोए थे, खाना पीना बनाने में काफ़ी लेट हो गया था। 1 बजे सोई थी मैं, 1 बजे, तो इसलिए वो किचन साफ की हूँ, गैस वगैरह ये सारा पूछी उछी। और बर्तन धुल चुका है, कपड़े रात में जो धुले थे वो भी मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए। मौसम तो मतलब बिल्कुल लग नहीं रहा है कि धूप होगा, मैंने अंदर ही सारे कपड़े डाल दिए हैं, ताकि इतने सारे कपड़े उठाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और बाद में जाऊंगी नहाने, अभी मिल लूँ एक बार रामार से। ये देख देख के दूर से ही मुझे हंसे जा रहे हैं। आपको कुछ, ये देखिए इधर चावल बन रहा है, और इधर सब्जी के लिए मैंने तेल रख दिया गर्म होने के लिए। यहाँ रखी हुई भिंडी, मैं इसको काटूंगी फटाफट से। तो फ्रेंड्स, मैं नहा ली हूँ, समय हो रहा है 10:30। और ये देखिए ये इधर खेल रहे हैं, और ये यहाँ कुछ गिन रहे हैं, लग रहा है हिसाब किताब कर रहे हैं। और मैं और महाली जा रहे हैं खाना खाने, अभी हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद मैं फिर देखती हूँ बच्चों का मालिश फिर से एक बार कर दूँगी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम हो रहे हैं, अभी शाम के बज रहे हैं 5, और मैं दोपहर में सो गई थी 1 बजे, फिर 2 बजे उठी। हम सोए हैं 1 घंटा पहले, तो कपड़ा वपड़ा धुलना मैंने शुरू कर दिया है, मशीन मैंने लगा दिया था, तो अभी तो कपड़ा थोड़ा सा कपड़ा धुला गया है, वो सूख रहा है अभी। और उसमें और कुछ मैं और सोच में थोड़ा सा धोने के लिए, और इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी, कपड़ा वपड़ा धुल जाएगा फटाफट, तो मैं पोछा लगा लूँगी अगर बच्चे तब तक नहीं उठते हैं तो। महादेव भी सोया है, 4 बजे वो, उसको टिटनेस का लगवाना है इंजेक्शन, कल चोट लग गया था उसके हाथ में, तो चोट ज़्यादा तो नहीं लगा है, लेकिन इंजेक्शन लगवाना है। सो फ्रेंड्स, अभी भी मेरे कपड़े धुल ही रहे हैं, थोड़े से कुछ बाकी हैं वो मैं धुल रही हूँ। और महादेव और अमार धुल गए हैं, शिवार तभी सोया है। और कैसा लग रहा है महादेव, इंजेक्शन लगवाने जाना है तुमको? अच्छा लग रहा है? ये फोन देख के देख रहे थे, अगर इनको स्क्रीन देखने को मिलेगी तो ठीक है, तो नहीं तो फोन का बैक भी देख के बहुत खुश रहते हैं। अच्छा मौसम यहाँ हो रहा है, देख रहे हो सामने। अब अभी तो एक लोग सोए हैं, तो यही रहेंगे हम लोग, थोड़ी देर बाद ये भी उठते हैं तो जाएंगे बाहर, बाहर बैठेंगे, वहीं पे मैं इन लोगों की मालिश करूंगी। महादेव आपकी जिम्मेदारी है, आज आप रात भर जागेंगे, बच्चों का ध्यान रखेंगे ना। महादेव बहुत केयरिंग है, बहुत 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 ज़्यादा, मतलब ये अकेले दोनों बच्चों को संभाल सकते हैं घंटों तक, और संभालते भी हैं और केयर करते हैं। कि जैसे बड़े लोग होते हैं कि हर चीज़ का ध्यान देते हैं कि इस चीज़ से लग सकती है या ये हो सकता है, तो वो वाली चीज़ भी केयर करते हैं महादेव की, ये होने ना पाए। तो दोनों भाइयों की बड़ी चिंता करते हैं और ध्यान देते हैं इनके ऊपर, अगर ये इनके अंदर ये है चीज़ कि अगर मैं हूँ तब तो ये इधर उधर घूमने निकल जाते हैं,
फ्री होके, अगर मैं नहीं हूँ तो इतने जिम्मेदारी से देखते हैं बच्चों को कि बड़े जैसे देखेंगे। कितना टाइम है, 7:20, तो मैं अभी बच्चों के पास ही रहूँगी, 8 बजे तक खाना वाना बनाना शुरू करूँगी। सो फ्रेंड्स, मैं महादेव, भगवान, शिवार सब लोग यहाँ सोए हुए हैं अभी नीचे जमीन पे, और देखिए इतनी अच्छी हवा चल रही है कि ये लोग भी खूब खुश हैं। देखिए उनको, देखिए वो बॉटल लेके पता नहीं क्या कर रहे हैं, उससे झगड़ा बातचीत कर रहे हैं, कल की प्लानिंग कर रहे हैं, कल क्या करना है। और आंटी हैं अभी अंदर, कुछ काम कर रही हैं। तो अभी हम लोग यहाँ 1.5 घंटे और रहेंगे, तब तो फिर अंदर जाएंगे। यहाँ इतना अच्छा हवा लग रहा है कि जाने का मन ही नहीं हो रहा है, तो अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे सोएंगे बाहर। ठीक। सो फ्रेंड्स, ये देखिए अभी हो रही है मालिश, रामार्थ की, शिवार्थ की मालिश हो गई है। तो ये देखिए, ये और महादेव लोग इधर है, यहाँ पे मैं और महादेव बातचीत कर रहे हैं और साथ के साथ कुछ काम भी कर रहे हैं। महादेव मेरी हेल्प करवा रहा है, महादेव और मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और कुछ भी चीज़ें मैं बोलती हूँ तो वो सुनता है, समझता है, और कुछ भी मैं काम करती हूँ तो उसमें मेरी मदद करने लगता है। सो फ्रेंड्स, बज रहे हैं अभी इस समय 9:30, और लोग जा रहे हैं खाना खाने। खाना खाने के बाद सो जाएंगे जल्दी ही, बस वही थोड़ा सा कपड़ा है तय करके रखना है, वो रख के मैं सो जाऊंगी, क्योंकि कल रात को नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई। दिन में भी 1 घंटा मैं सोई थी, 1 घंटा महादेव भी सोया था, फिर भी लेकिन नींद आ रही है। तो बच्चे सो गए हैं तो हम लोग सोच रहे हैं हम लोग भी सो जाएँ, क्योंकि फिर वो 2-3 घंटे में उठ जाएँगे, तो उठना पड़ेगा, इसलिए सो जाएंगे। और खाने में मैंने बनाया है आज वेज पुलाव, और आज हम ही 2 लोग हैं तो हम लोगों ने आज सोच समझ के काफ़ी सस्ता सुंदर टिकाऊ खाना बनाया है जो फटाफट से बन जाए, क्योंकि अब इस ये खा के हम लोग भी सो जाएंगे। कल मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में और एक नई एनर्जी के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, बाय।